एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि कोई भी ऐसा कश्मीरी पंडित नहीं है जो घाटी छोड़कर जम्मू जा रहा है, पर आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस स्टेटमेंट से उल्ट ही कुछ बयां कर रही हैं। आपको बताते हैं कि जो लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं, डरे सहमे हुए वो जम्मू पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनका कहना है सिर्फ हम परेशान नहीं है, कश्मीर के लोकल्स भी परेशान है। हालांकि जो कश्मीर के लोकल्स हैं वो पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, पर हम मजबूर थे घाटी छोड़ने के लिए जो हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से टारगेट किलिंग, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप वहां से आए, क्या वहां पर लोकल जो लोग हैं वो लोकल भी परेशान है? मतलब जहाँ पे हम जॉब करते हैं, अभी क्या डिमांड क्या है वहाँ पे? वही बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें बुर्का लगा के निकलना पड़ता है, हम निकल नहीं पा रहे तिलक लगा के, ये इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, अब ये इशारेबाजी कर रहे हैं। तो डिमांड फिलहाल वहाँ पे ये है कि हमें अगर यहाँ पे रखना है कश्मीर में, तो कोई सिक्योर लोकेशन दे जहाँ पे हम सेफ्टी फील कर सकें। देखिए, बॉर्डर के बाहर आप सिक्योरिटी लगा दीजिए, लेकिन बाहर तो बंदे को फील्ड पे काम करने के लिए जाना होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनको या तो जम्मू में रिलोकेट करके यहाँ पे जॉब दे दी, बस डिमांड यही है। लेकिन फिर बात यह है कि अभी हम कश्मीर से आ रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर 20-25 के आसपास है, वहाँ अभी हमारी स्किन जल रही है, हम जो वहाँ से निकाले गए हैं, हमें बाहर कब तक रहना पड़ेगा? बर्दाश्त के बाहर है ये चीज़ को। ठीक, उनका बस एक ही है, मतलब वो पैदा करना है, टारगेटिंग उसमें ये नहीं है कि शायद हिंदुओं को ही करें, वो मुस्लिम को भी। आपके सामने पश्चिम दिशा के एक्टर्स टीवी एंकर को मारा गया है, तो शिवा शिवा मुस्लिम कम्युनिटी ना। तो तस्वीरें सीधा जगती से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अपनी अपनी व्हीकल्स पर फैमिली समेत ये कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ के जम्मू पहुंचने को मजबूर हुए हैं, और गाड़ियों की तादाद आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ कहना है उनका। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जो गाड़ी जम्मू के जगती से ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित अपनी फैमिली समेत जम्मू पहुंचे हैं घाटी छोड़कर। क्या कुछ कहना है उनका लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं और ये वहाँ कश्मीर घाटी में कार्यरत थे। और ये जो दो महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, ये उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में कार्यरत थी और वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, उसके कारण इनके मन में भय उत्पन्न हो गया है। और जो कुछ ये सामान अपने साथ ला सकते थे इन बैगों में, वो पैक करके लाए हैं और ये अब जम्मू पहुँच चुके हैं। और अब इनके मन में ये सुकून है, जान को अब कोई खतरा नहीं है। और इनका कहना है कि जान है तो जहान है, क्योंकि इस समय ये कश्मीर से लौट कर आए हैं, अभी यहाँ जम्मू आए हैं, जाना है अपने निजी कामों के लिए जाना है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इनका कहना था कि घाटी में इस समय काफ़ी खौफ का माहौल है, स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और तो चलिए ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जगती से ज्वाइन कर चुके हैं। अमित बताइएगा, ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं की जुबानी हमने सुना है। उनका कहना है कि वहां पर जिस तरह से खौफ का माहौल बना है, हम वहां पर मजबूरन घाटी छोड़कर जम्मू इतनी गर्मी में पहुंचे हैं, कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा था। और क्या कुछ जानकारी है इस वाले? जी प्रियंका, मैं आज सुबह से ही जगती में यहाँ आया हूँ, इसीलिए कि हमें भी पता चला था सोर्सेज से कि यहाँ बड़े सारे जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज लगे हुए हैं वो कश्मीर की वापसी कर रहे हैं, जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। और सुबह से बड़ी सारी गाड़ियां जो हैं वो कुछ प्राइवेट व्हीकल्स में आए हैं और कुछ टैक्सी से आए हैं, जो कि हमने कईयों से बात भी की है इस मामले के। वो कहते हैं कि
वहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से जो टारगेट किलिंग्स हो रही थे उसको लेकर हमें सिक्योरिटी नहीं दिख रही, हम सिक्योर नहीं है तो हम वहाँ पे रहना नहीं चाहते। हालांकि भारत सरकार जब तक ये श्योर नहीं करती कि हम सिक्योर, ऐसे उन्होंने क्वार्टर्स के बाहर तो सिक्योरिटी दे रखी है लेकिन कहते हैं अंदर हमें सिक्योर नहीं है। बड़े सारे वारदातें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं ऐसे, तो उसको लेकर वो सारे डरे हुए सहमे हुए हैं और जिसको लेकर वापसी हो रही है। बिल्कुल, उसी के चलते अब भारत सरकार के पास क्या सलूशन है, क्या प्लान भारत सरकार लेकर आती है ताकि कश्मीर में ये सेफ फील करे। फिलहाल जिस तरह से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है, इनोसेंट किलिंग्स वहां पर की जा रही हैं, उसके चलते अब क्या करेंगे ये? अब वापस तो आ गए हैं सारा सामान लेकर, अपनी फैमिलीज के साथ महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहां कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या कुछ कहना था इनका आपने जब बातचीत की इनसे? हमने उनसे कई बार बात भी की तो वो कहते यही कहते हैं कि हम तो गए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था भारत सरकार ने कि आप सेफ हैं तो आप जाइए वहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटीज करिए। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स में वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था कुछ लोगों ने, लेकिन जब यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग हुई तो उसके तहत ये आप वापस आना शुरू करे। अभी तक ये भी ये कह रहे हैं जब तक हमें सरकार जो है वो श्योर नहीं करती तो तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और तब तक आप सुन सकते हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडित का कहना है ये वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार एश्योर नहीं करती कि हम वहां पर सेफ हैं। और कितनी तादाद में आखिर में बताइएगा, कश्मीरी पंडित जो भी मुलाजिम वहां पर लगे थे तो कितनी तादाद में वो आज जम्मू पहुंचे हैं, कितनी गाड़ियां पहुंची, अपनी पर्सनल व्हीकल में पहुंचे हैं, बस करके आए हैं, कैसे पहुंचे? 10 से 15 गाड़ियां जो प्रियंका यहाँ पे हमने शूट की है, मैंने खुद वहां विजिट किया है, जो कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी थे और कुछ टैक्सी से भी आए, अभी भी कुछ और भी आ रहे हैं। हम यहाँ पे अभी भी यहीं पे हैं तो देख रहे हैं और कौन आता है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित हमारे से ज्वाइन करने के लिए, ग्राउंड से सारी जानकारी फराहम करने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित की जुबानी भी हमने बताया कि आप कुछ कहना है उनका। जिस तरह से इनका कहना है कि 20 से ज्यादा गाड़ियां आज के आज पहुंची हैं, और भी गाड़ियां आ रही हैं जो अपना सारा सामान समेट के अपनी फैमिली के साथ जम्मू पहुंचे हैं, क्योंकि इनके जहन में खौफ है कि वहां पर सुरक्षित नहीं है। हालांकि इनका कहना है सिर्फ हमारी बात नहीं है, तो वहां के लोकल्स हैं वो भी बहुत परेशान हैं इससे, हालांकि वो पूरी तरह से कॉपरेट करते हैं, पर माहौल कब सुलझे, सामान्य होगा, कोई सोल्यूशन कब निकलेगा, कब एक प्लान लेके सरकार आएगी जहां पर माहौल को सामान्य किया जाएगा। और सही मायने में सिर्फ आश्वासन नहीं, सही मायने में ये इनोसेंट किलिंग्स वहां पर रुकेंगी और थमेंगी। और हम देखते ही हैं जब भी कोई अटैक होता है ट्वीट्स के बुछार आने शुरू हो जाती है, ट्वीट्स हर कोई ट्वीट करता है घर बैठे बैठे कि हमें बहुत दुख हुआ, हमारी संवेदना, हमारा जो हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, हमारी गंडोलेंस साथ में है फैमिली के। पर क्या किसी के पास सोल्यूशन है? एक बार फिर इसी सवाल के साथ लूंगी इजाजत। सो क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।